साल में सभी विभाग ये डॉक्यूमेंट 2030 के लिए कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने यहाँ पे सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, सभी आपस में इनडेप्थ डिस्कशन भी कर रहे हैं और हर व्यक्ति को जो राजस्थान में रह रहा है उसे पता है कि 2030 साल से लगभग 7 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, इसकी प्लानिंग करने की आज आवश्यकता है। तो इसके लिए जैसे हमने डायरेक्शंस थे तो आज हमने ये अपना एक यहाँ पे डिस्कशन रखा है, तो इसमें आप लोग भी पॉजिटिव भूमिका निभाएं। आप भी यदि अपने व्यूज देना चाहते हैं इसके बारे में तो अवश्य बताएं। हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि संस्थान ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का ही काम करता है, तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है राजस्थान का, उसमें इस इंस्टीट्यूट का क्या योगदान हो सकता है या ये एक्सएम विपा का क्या योगदान हो सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने कुछ डेटा निकलवाए थे तो हमने लगभग 300 के आसपास ट्रेनिंग्स कराई है पिछले 5 साल में और लगभग 8000 के आसपास लोगों को हमने पिछले 5 साल में ट्रेनिंग्स ली है। तो मैं समझता हूँ अगले जो आने वाले 7 साल हैं उसमें हम लगभग 500 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स करेंगे और लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को ट्रेन करेंगे इस संस्थान के अंदर। और हो सकता है क्योंकि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर